के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। विकास नहीं मजदूर नहीं तो देश का विकास नहीं, मजदूर नहीं तो देश का विकास नहीं। भारत माता की। आप लोगों की जरिए आज का जो हम लोग का भारतीय मजदूर संघ का जो डिमांड है तो आगे बढ़ेगा देश भर में और हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास में पहुंचे तो मैं आप लोग को आशा करते हुए धन्यवाद देते हैं। तो आज का जो हमारा भारतीय मजदूर संघ का जो डिमांड है 4 पॉइंट का जो डिमांड आपको दिखाई दिया है उसका अंदर में बहुत से चीज डिमांड है। उसका अंदर में हमारा भारतीय मजदूर संघ का अंदर में बहुत से चीज का डिमांड है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपका भारत में मजदूर जो है 48 करोड़ जो है हम लोग को मजदूर है उसमें से 2 करोड़ जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइज मतलब जो है वो गवर्नमेंट का जो कंटिजेंसी लेबर कंट्रेक्चुअल काम करने वाला को ऑर्गेनाइज गिना जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये मनरेगा का जो स्कीम से लेके केटी करने वाला और टेम्पो चलाने वाला आपका आशा आंगनबाड़ी और ये जो रोड में जो काम कर रहा है सामान को उतारने नमाने वाला ट्रक का ये सब से लेके पूरा को हम लोग अनऑर्गेनाइज गिना जाता है। उसको 46 करोड़ जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लीबर लोग का उन लोग का हम लोग का कहना है उन लोग के साथ में अभी जो सरकार का जो कानून बनाया गया है तो उसी में सरकार का जो कानून है वो अभी ये नहीं है कि वहाँ तक हम लोग का यहाँ में जो हमको मिलना चाहिए हक मिलना चाहिए वो कानून जो है कम है। तो इसके लिए हम लोग कहना है कि सबका साथ में इक्वलिटी और सैलरी मिले, इक्वलिटी जो सोशल सिक्योरिटी जो है वो मिले। सोशल सिक्योरिटी जो है इसका अंदर में बहुत से चीज़ है जैसे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो एक क्या बोलता है आपका कंस्ट्रक्शन जो कंपनी लोग का जो काम करते हैं उन लोगों को जगह में कई जगह में अच्छा मिल रहा है कई जगह में कम मिल रहा है। उसके लिए कानून जो है हमारा अभी का कानून जो है कम है इसलिए इसको स्ट्रॉन्गली कानून को प्रॉपरली स्ट्रिक्टली कानून बनाए है सबका साथ में मजदूर का साथ में जो सोशल सिक्योरिटी जो है मिलना चाहिए। ये दूसरा जो है हमारा आंगनबाड़ी आशा मिड डे मील और ये NRHM और इसको हम लोग का कहना है कि आप प्रॉपरली आप लोग का गाइड से गवर्नमेंट के तरफ से उन लोगों को काम करवाया जाता है लेकिन उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा गया उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना है उनको सर्विस मिलना चाहिए ये डिमांड। तीसरा जो हमारा ये जो सर्विस वाला का अभी MPS का नाम चल रहा है MPS नहीं होना चाहिए कोरोना जो GPF जो कानून है हो अंदर में वापस लाना चाहिए ये भी डिमांड है। और कॉन्ट्रेक्टर वर्कर बोल के कॉन्ट्रेक्टर के नाम पे सब डिपार्टमेंट में काम कराया जा रहा है लेकिन उनका सर्विस का सिक्योरिटी नहीं है। इसका जब चाहते हैं स्कीम आने से स्कीम का समय में उसको काम कराता है उसका बाद छोड़ देता है फिर दूसरा को ले लेता है ये नहीं होना चाहिए। उसको सबको साथ में सर्विस सिक्योरिटी होना चाहिए ये सब बात है।